हाँ सरदार, कितने ट्रक लूटे रहे आज? 8 सरदार। इतने कम? हाँ सरदार। क्यों, क्या हो गया? ठाकुर पीछे पड़ रहा था सरदार। ठाकुर के तो हाथ काटने के बाद भी नहीं सुधरा? नहीं सरदार। लगता है रामगढ़ वासियों की चर्बी ज्यादा ही चढ़ गई है। हाँ सरदार। सरदार, कौन खास रहा है या कालिया? हाँ बहुत दिनों से खास रहा है सरदार। रो कालिया, इतने दिनों से खासी है तुझे? सरदार यही कुछ दिन से? नहीं सरदार, ये कालिया झूठ बोल रहा है, 2 हफ्तों से खास रहा है ये। सुअर के बच्चा, इतने 2 हफ्तों से खास रहा है और मुझे पता भी नहीं चला? ये बहुत नानचा भी है रे कालिया। सरदार गलती हो गई। अरे सांबा, क्या इसको पता नहीं कि जब भी किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो तो शायद इसे हो सकता है टीबी की बीमारी हो। सरदार मुझे टीबी वो कैसे? अब मैं क्या खत्म हो जाऊंगा? मैंने आपका नमक खाया है, मुझे मरना नहीं है सरकार। डर मत कालिया, जो डर गया वो मर गया। अरे सामा। हाँ सरदार। क्या किया जाए इस कालिया का? सुना है सरदार, ठाकुर ने रामगढ़ वासियों के लिए अस्पताल बनवाया है, उसमें जेवर वीरू नाम के 2 छोटे डॉक्टर बन के आए हैं, इस कालिया की वही जांच करा लेते हैं। सुन कालिया, उसमें जा और अपनी जांच करा के आ। अरे सांबा, इसको लेके जा। जी सरदार। जी हुकुम सरकार। कब से खांसी? 2 हफ्ते से। एक बार ऐसे कीजिए, आप इनका वजन नापा लीजिए। देखो साहब, जब भी कोई इस हॉस्पिटल में 2 या 2 से अधिक आदमियों से खांसी का मरीज आता है तो उसके बलगम की जांच होती है। एक जांच आपको अभी करवानी है और एक जांच कल सुबह करवानी है। तो हम कहाँ जाए डॉक्टर साहब?
ये पर्ची लीजिए और साइड वाले कमरे में जाकर बलगम की जांच करें। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। डॉक्टर, हमारे रामगढ़ में टीबी के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ डॉक्टर बिडू, जब मैंने भी देखा रिसेंटली केस बढ़ गए हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह के लोगों में जागरूकता नहीं है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि लोगों में जागरूकता बढ़े? हमें लोगों को बताना चाहिए कि जब भी कभी दो या दो से अधिक हफ्तों में खांसी हो तो उसके लिए टीबी हो सकता है। टीबी के बारे में बताना चाहिए कि उसकी गवर्नमेंट जो है 6 महीने की मुफ्त दवाइयाँ दे रही है। लेकिन लोग अगर दवाई लेते भी हैं तो दवाई ले नहीं रहे आगे। कुछ महीनों के लिए लेते हैं, कुछ हफ्तों के लिए लेते हैं और फिर लेते ही नहीं आगे दवाई। डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट दी है। सांबा, कालिया को टीबी निकला है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। डॉट्स में 6 महीने दवाई मुफ्त दी जाएंगी। अब तुम जाओ और जाके बसंती को मिल लेना, ठीक है? और तुम्हें HIV की भी जांच करवानी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, चलो कालिया बसंती के पास चलते हैं। अरे वो बसंती, जेवर भी डॉक्टर ने पर्चा दिया, जरा इसे देखना। देखो, फिजूल की बातें तो मुझे करनी आती नहीं है, लेकिन इस कालिया को टीबी हो गया है। लेकिन टीबी का इलाज बिल्कुल संभव है। इसे 6 महीने तक दवा खानी होगी। पहले 2 महीने हर दूसरे दिन यहाँ आके दवा खानी होगी। अगले 4 महीने सप्ताह में 1 बार यहाँ आकर दवा खानी होगी तथा 2 बार घर पर ही दवा खानी होगी। अगले सप्ताह जब ये दवा खाने आएगा तो दवा का खाली रैपर इन्हें साथ लाना होगा तथा 2 महीने बाद दवा का असर जांचने के लिए बलगम की जांच फिर से करनी होगी। ठीक है बसंती। मुझे कुछ परहेज करना पड़ेगा? परहेज तो कुछ नहीं, सब खा सकते हो। दवाइयाँ समय समय पर लेनी होगी। ये लो आज की दवाइयाँ, इसे खा लेना, फिर परसों आना। ठीक है कालिया, चलो सरदार के पास चलते हैं। अरे सांबा। हाँ सरदार। इसका मुंह क्यों उतरा है कालिया का? कालिया को टीबी हुआ है सरदार। उन रामगढ़ वासियों को डॉक्टर ने क्या बोला? 6 महीने के लिए डॉट्स की गोली खाने को बोला सरदार। अब तेरा क्या होगा कालिया? सरदार मैंने आपका नमक खाया। अब तू गोली खा। ये नहीं रे, डॉट्स की गोली खा।